Selam aleyküm. Ben Ebru Mayan'a. Ben Yerim'a. Ümit etmiyorum. Ben YouTube family. Ben Ulhi Oğlu. Ben bir elhamdülillah. Ben Ulhi Oğlu. Ay ben Ahmet Ağlu'yu. Hamlet yanda. İkmek ve şenmet yanda yasa. Ve ilk yerimi hamlet yanda yasa. Ay ben Ahmet Ağlu'yu. İlk bir ibad ben Ağlu'yu. Ve mut masrufiyeti. Yanda Rabbi. O reddi. Ve yedi. Şamsı benim Ahmet Ağlu'yu. Ben çok ücretsizliğe. Dağda o dağda baba ne. Ben çok ücretsizliğe. Ben çok ücretsizliğe. Ben çok ücretsizliğe. Ben çok ücretsizliğe. अभी यह बड़ी है तो ड्रेस भी बड़ा ही है ये हमने ये वाला ड्रेस लिया है रेडीमेड ड्रेस है बच्चे ले और बस वेयर करें नीचे डाउन साइड में उनकी जीन्स नहीं थी और ऊपर उनकी फ्रॉक थे और यहाँ पे अलग अलग से और बहुत ही अच्छे लग रहे थे स्टाइलिश ड्रेस है आपकी पार्टी वगैरह बनाने चाहे तो आप बच्चों को आराम से बना सकते हैं और ये ऐसा जीन्स है मेरी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कम्फर्टेबल जीन्स है आप आसानी से बच्चों को बना सकते हैं और साथ ही हमने उनकी सिस्टर अजवा के लिए भी ड्रेस लिया था वो भी बिल्कुल सेम ही था सिर्फ कलर चेंज था बट इस ड्रेस और स्टाइल बिल्कुल सेम था इतनी भी ट्राउजर में जीन्स थी और अच्छा था टॉप था टॉप भी बहुत अच्छा था येलो कलर बहुत फ्रेश था और पहनावा भी बहुत अच्छा लगेगा इसलिए हमने येलो कलर लिया था ये देखिए फ्रिंज बनी हुई है और ये ऐसा क्या है बच्चों की पिंस है उनकी चूड़ियाँ उनकी हेयर बैंड और मेहंदी वगैरह मेहंदी तो बहुत ज़रूरी होती है इन पर और ये देखिए यह है अपना मीरा एड्रेस मीरा के लिए हमने नेक लुक पसंद किया था मुझे अलग अच्छा लगेगा और इसका स्टाइल डिफरेंट है ये नेक लाइन पे आम किया हुआ है और इसके इनर और जो है ट्राउजर भी था अपना वाइट कलर में वो भी आप बना ये वेयर बना सकते हैं स्लीव लेस ड्रेस है तो नीचे आपको इनर बना सकते हैं ये इनर है अपने वाइट कलर में ये मीरा एड्रेस था और इसके साथ हमने लिया था सिस्टर एड्रेस वो है अख्ता और अख्ता के लिए हमने लेमन येलो कलर एड्रेस लिया था जैसे अधाई कलर होता है वैसे कलर हमने ड्रेस लिया था वो भी बिल्कुल सेम था स्टाइल बिल्कुल सेम है सिर्फ कलर चेंज है ये फ्रॉक में फूल बने हुए हैं और ये साथ ये ग्लासेस और चूड़ियाँ और पीने और जिस पास लिए थे छोटे छोटे बच्चों के लगने साथ उनकी मेहंदी वगैरह सब कुछ हमने ले लिया था मेहंदी अब बच्चों को इसलिए हमने दोनों के लिए मेहंदी भी लेनी थी ताकि बच्चे लगाए पर दोनों अच्छा रहेगा और ऑलमोस्ट बच्चों की शॉपिंग हमने अपनी करी थी चार दादों फिर दादा जो दादा बाबा ने उनको गिफ्ट कर दिए थे उनके ड्रेसेस ताकि वो आगे पहन सकें ये देखेंगे उन दोनों चारों बच्चों के ड्रेसेस हैं और साथ ही हमने अब ईद के लिए सामान लेना शुरू कर दिया था हमने सवैया मंगवा ली थी सवैया सवैया ना बने तो ईद कम्प्लीट नहीं होती तो इस ईद पर क्या होता है सवैया पहले खाए जानी होती है नमाज से ईद नमाज और साथ हमने दूध ले लिया था और सबको सामान नहीं मिला सुबह शॉप खानों ने भी हमने छुआरे वगैरह ले लिए थे गाड़ी के लिए साथ हमने बादाम वगैरह सब कुछ ले लिया था और हमने असर रात को मंगवा रखने ताकि सुबह सुबह बना के रखने और सब खा जाए ईद नमाज पढ़ने ये मैंने अपना शूज लिया था ईद का चला और ये भाई वगैरह और अबू भी जाते अपने शूज चांद रात को ही ले आ रहे थे चांद रात को साथ ही हमारे घर की शॉप है और हमारे शॉप को शूज ले गए ये मेरे बाबा का शूज है उन्होंने अपना था अल्लाह शूज है और ये देखेंगे मेरे भाइयों ने भी शूज लिए थे मेरे दोनों भाइयों ने सेम ही शूज लिए थे स्टाइल अलग बिल्कुल सेम था बस स्टाइल का फर्क था एक भाई बड़ा था और एक छोटा था तो दोनों ने सेम शूज लिए और आलमोस्ट अलहमदिल्ला उन्हें शॉपिंग कम्प्लीट हो गई जो हमारी भी अलमोट मिल गया और अब फैशन था चांदा में मेहंदी लगा देगा तो बच्चे सबसे पहले आ जाते हैं हमें मेहंदी लगा दें बच्चों को मेहंदी लगी है ये देखें बच्चे मेहंदी लगा रहे और चांद ही बनवाने चांदा हमने हम चांदा बनवाए बच्चों की तो मेहंदी लग गई लेकिन हमारी मेहंदी नहीं लगी थी हम ईद से पहले मेहंदी नहीं लगा सकते चांदा को हमें टाइम नहीं मिला था मेरे हम पूरी कोशिश करते हैं चांदा को हम जल्दी फ्री हो जाए लेकिन चांदा से भी काम ही होता है और मैं बस हो नहीं सकता जितना भी हम आने लगे चांद ये आम जरूर होते हैं ये दुआ है दुआ ने भी मेहंदी लगवा ली थी और मन्नत भी मेहंदी लगवा ली थी और सब जो हुई सुबह हो गई ईद का टाइम है सब नमाज़ पढ़ने चले हैं और हमने पीछे से रूम सेट कर लिया हमने बेडशीट बिछा ली है रूम नीट कर लिया जैसे हमने सोफा वगैरह और टेबल वगैरह सब लगा दिए नमाज के बाद या जुमानों ने सब ने आना था ईद मुबारक मिलने के लिए तो हमने रूम को सेट कर लिया था जैसे ऑलमोस्ट रूम सेट हो गया था और हमने अपने एप्लीकेशन पीस लिया था हमने वो भी ईद पर लगाएंगे और जब हमने अल्लाह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और सुभानअल्लाह ये प्लेट है वॉल पर लगाएं तो बहुत ही अच्छी लगेंगी हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था हमने आता हमें और ईद पर लगाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे अब हम इनको लगा देंगे और ये सब ईद नमाज पढ़ के आ गए चाचू वाले आ गए
अजवा बिरयानी हो गई है बच्चों यार मोट मतलब मरी यानी सेम हो गए थे ये अभी है अभी बिरयानी हो गया देखे फैशन दे बच्चों ये मेरा ये दे मेरा और देखे मेरा ने ग्लास लगा हुआ है बहुत अच्छी लग रही है और ये दे मना ना आगे ये मना बिरयानी हो गया मना ने अपना रैक अलग एड्रेस बनवाया था बहुत अच्छी लग रही है बच्चों माशाल्लाह ये रूहान है रूहान भी बहुत अच्छा लग रहा है रूहान ने भी सेम ग्लास लगा हुआ है और यहाँ ये रूहान भाई ये भी अच्छा लग रहा था ये भी बहुत बहुत अच्छी अब ईमेल और ड्रेस अलग सेम था और बहुत अलग अलग ये साइन था और ये देखे हम सामने भी रेड ड्रेसेस बनाए थे रेड ड्रेसेस और बहुत बहुत अच्छा लग रहे और ये देखे हम अब हमारा आज खाना था बाजी के घर बड़ी बड़ी घर हम वहाँ खाना खाने और वहाँ पे वहाँ पे बिल्ली का बच्चा है और आज मैं बिल्कुल ले जा रही हूँ प्यार कर रही है और साथ खेल रही है तो हमारी ये व्लॉग यही ख़त्म होता है और मैं आपसे मिलूँगी ये हमारे ईद डे वन का व्लॉग है और अब मैं आपको ईद डे टू का व्लॉग भी दिखाऊँगी और ओके अल्लाह हाफिज़ मैं आपसे मिलती हूँ लखनऊ में आप भी ईद इंजॉय करें अपने अपनों के साथ और खुशियाँ बांटें अल्लाह हाफिज़।